नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। राफेल भारत आ रहा है और इस वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका इमरान खान की नींद उड़ गई होगी। इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तानियों के कानों में रात दिन राफेल का शोर ही सुनाई देगा, क्योंकि राफेल को जो पहली बार उड़ाने वाले हैं और जहां इसे तैनात किया जा रहा है, उस स्क्वाड्रन ने पहले भी पाकिस्तान को धूल चटा रखी है। जी हाँ, फ्रांस से खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती अंबाला वायुसेना स्टेशन पर की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन विमानों को उड़ाने के लिए कारगिल युद्ध की हीरो 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की एक बार फिर बहाली की गई है। इसके लिए रेसरेक्शन कार्यक्रम हुआ, जिसको वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने संबोधित किया। 3 साल पहले इस स्क्वाड्रन को वायुसेना ने भंग कर दिया था। So the commanding officer designate, Group Captain Harkirat Singh. The Golden Arrows have been an epitome of professional excellence and dedication. The association of 17 squadron with Ambala has been from its very inception when it was formed here in 1951. And the squadron has now come back to Ambala. आपको बता दें कि फ्रांस से 36 राफेल खरीदे जा रहे हैं। इन्हें पाक सीमा के पास अंबाला और चीन सीमा के पास हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाना है। राफेल इसी माह से मिलने लगेंगे और जिस स्क्वाड्रन को ये राफेल मिलने वाला है, उसका इतिहास वीरगाथाओं से भरा है। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय बीएस धनोआ विंग कमांडर थे और स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर भी। 27 मई 1999 को स्क्वाड्रन के लीडर अजय आहूजा मिशन पर थे, जब एक स्टिंगर मिसाइल ने उनके विमान को निशाना बनाया। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा विमान से इजेक्ट कर गए थे, मगर वे शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद स्क्वाड्रन के पायलटों ने पाकिस्तान सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और महत्वपूर्ण ठिकानों पर बम बरसाए, जिसमें विंग कमांडर बीएस धनोआ भी शामिल थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्क्वाड्रन की स्थापना 1 अक्टूबर 1991 में हुई। 2016 में भंग करने से पहले स्क्वाड्रन MiG-21 विमानों का संचालन कर रही थी, जिन्हें एयरफोर्स के बेड़े से अब धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। अब राफेल विमानों का संचालन इस स्क्वाड्रन को ही सौंपा जाएगा, जिससे एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की भूमिका सबसे अहम होगी। राफेल के लिए अंबाला में अधिक चौड़ा रनवे, हैंगर एवं अन्य प्रबंध किए गए हैं। भारत वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली राफेल की आपको विशेषता भी बता देते हैं। राफेल की विशेषता, अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 24500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी, 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से जमीन पर मारने वाली स्कैल्प मिसाइल। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर, हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा राफेल। प्लेन के साथ मेटियोर मिसाइल भी है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। आपको बता दें कि राफेल को भारत में लाने से पहले काफी विवाद भी हुआ। विपक्ष से लेकर सरकार तक ने अपने पक्ष रखे, लेकिन इन तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए राफेल वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आ रहा है। 2011, the commercial bid for 126, which started in 2001, 10 years later, was opened. L1, Dassault Aviation became the L1. And the then RM directed independent monitors to examine this issue as to how L1 emerged like this. He asked an independent set of monitors to check up as to why L1 was whoever. Okay, Ji? And then
the reason stated for appointing independent monitors, and I quote here, he said, in the context of the letters received and issues raised related to the L1 vendor, let there be an independent monitor who will go into this to check up if everything is all right. All right, madam? After that, look at the fate. That's what? Look, plane kab aayega? Iska charitra main bol rahi hu, ke plane nahi aaya unke zamane mein. इंडिपेंडेंट मॉन हमारे जमाने में इस सितंबर में पहुंच रहे हैं जी, आप इंतजार करिए। इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स मैडम, इंडिपेंडेंट मॉनिटर हु वाज अपॉइंटेड बाय द रक्षा मंत्री देन क्लियर्ड द प्रोसेस द इंडिपेंडेंट मॉनिटर appointed by the Raksha Mantri to look into how the L1 was emerging like that, cleared the process. Independent monitor cleared it. Then, in June 2012, even after the independent monitor clearing the process, they did not buy it. आज एक घंटे से ज़्यादा बोले, Rafael deal पे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा. राजनीतिक भाषण किया, कैंपेन स्पीच करी, मगर जो देश के सामने मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा. बंगाल की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, देश के सामने ये सवाल है. नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था और 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार मिलता है. इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा. किसानों की बात, उनको सही दाम देने की बात, उनका कर्ज माफ करने की बात, प्रधानमंत्री जी मधुमक्खी और बैंबू की बात कर रहे हैं कि हमने किसानों को बैंबू दे दिया, मधुमक्खी डाल दी. देखिए, बैंबू और मधुमक्खी की बात नहीं है, किसानों को सही दाम देने की बात है, उनके भविष्य की बात है, उनकी रक्षा की बात है. प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में नहीं बोला. हर बार भाषण होता है कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में. देश के सामने 3-4 मुद्दे हैं. किसानों को कैसा भविष्य मिलेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, राफेल डील में चोरी हुई है हाँ या ना, और क्लियरली बता देना चाहिए. हमारे 3 सवाल हैं. आपने कॉन्ट्रैक्ट बदला पेरिस में जाके, आपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पूछा था हाँ या ना, और आपने क्या दाम हवाई जहाज के लिए दिया. मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 526 करोड़ का जो हवाई जहाज था, उस हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदते हैं. हिंदुस्तान के युवाओं, इस बात को आप अच्छी तरह समझो, HAL से आपसे रोजगार छीना गया और जो जहाज 526 करोड़ का था उसे 1600 करोड़ रुपए में खरीदा गया. हमने मोदी जी से, रक्षा मंत्री से पूछा, भैया बताओ इस हवाई जहाज का दाम क्या है. रक्षा मंत्री कहती हैं, हिंदुस्तान के युवाओं को हम दाम नहीं बताएंगे. बाद में क्या होता है, बाद में हवाई जहाज का दाम निकलता है, 526 करोड़ वर्सेस 1600 करोड़. बाकी देशों ने भी खरीदा, किसी ने 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा, सिर्फ हिंदुस्तान ने सबसे महंगा. अनिल अंबानी ने जिंदगी में, युवाओं अच्छी तरह सुनो, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है. कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी जी कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. डील किसने की? डील नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति होलैंड जी ने की. होलैंड जी से पत्रकार पूछता है
क्या अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय आपने लिया था, फ्रांस की सरकार ने लिया था, डसॉल्ट कंपनी ने लिया था? होलैंड जी कहते नहीं। युवाओं सुनो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा नहीं, निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। भाषण दिए एक के बाद एक। मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। और चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। किसका पैसा था? सबसे पहले हिंदुस्तान के युवाओं का, दूसरे नंबर पे एयरफोर्स का, उनका पैसा था। और नरेंद्र मोदी जी ने उनसे छीन कर अनिल अंबानी